શિલા ફોર્મ લિમિટેડ કંપની દ્વારા સેલવાસ ખાતે સ્વાસ્થ્ય જાળવણીના સંદેશ સાથે રન ફોર હેલ્થ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 3 કિલોમીટરની દોડની શરૂઆત બાલદેવીથી અને પૂર્ણાહુતિ SSR કોલેજ ખાતે કરવામાં આવી હતી. સ્પર્ધામાં સંસ્થાના 250 જેટલા કર્મચારીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં 30 અગ્રીમ દોડવીર કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહન રાશિ આપવામાં આવી હતી. આ તકે કંપનીના હોદ્દેદારોએ ખાસ ઉપસ્થિતિ આપી હતી. चैनल के माध्यम से शिला फॉर्म ने जो हर साल की तरह ये साल में भी रन ऑफ हेल्थ के लिए जो हेल्थ के जो संभालना है तो वो उसको हर रोज उसको रनिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, तो अपना हेल्थ भी अच्छा रहे. और ये शिला फॉर्म को मैं तो धन्यवाद करता हूँ, शिला फॉर्म कंपनी को, कि आज भी जो ये लोगों की यूनिटी है, आज यूनिफॉर्म जो है वो आज पूरा मैनेजमेंट यहाँ के जो शिला फॉर्म के डायरेक्टर है वो भी वही कपड़ा पहनते हैं, वही ड्रेस पहनते हैं, जो शूज़ हो या ड्रेस हो कोई भी हो, लेकिन आज सबको लेके चलता है. तो मैनेजमेंट को भी बधाई है. और आज नया साल का पहला दिन को शिला फॉर्म के जितने भी जो स्टाफ मेंबर है, जो वर्कर है, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अलग है, ये अलग है, ये सब साथ में लेके चलते हैं मैनेजमेंट. तो शिला फॉर्म के हमारे सिंह साहब है, पूरा मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ. हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राहुल गौतम है, उनकी सोच है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैट्रेस का है, मतलब स्लीपवेल से है, स्लीप और मतलब सोने से है. एक स्वस्थ एक अच्छी नींद एक अच्छी सुबह की शुरुआत करती है. और ये रन ऑफ फॉर हेल्थ जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए ही नहीं है, हमने ये कार्यक्रम हम फैक्ट्री में भी कर सकते थे, लेकिन हमने समाज के बीच में इसको प्रदर्शित किया है. इसका साफ सा मतलब ये है कि हम एक चेतना जगाना चाहते हैं, जिस भी समाज के लोग इसको देख रहे हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है. इसलिए रन फॉर हेल्थ का आयोजन देश के विभिन्न कोनों में आज शिला फॉर्म परिवार के जो भी सदस्य हैं वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं. हमारे अपने अंदाज से आज 15 जगह ऐसे हैं पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, उधर इम्फाल से लेके आप गुजरात कच्छ तक कहो, कि लोग जो हैं इस रन फॉर हेल्थ का आयोजन चल रहा हो. ये करने का उद्देश्य क्या है, कितने साल से ये कर रहे हैं मैराथन का? ये अभी हमारा दूसरा साल है. पिछले साल ही ये हमने अपने कंपनी में शुरुआत करी थी. उसके पहले हम प्लांट के अंदर किया करते थे, लेकिन चूंकि हमारा काम समाज को भी जागृत करना है, तो इसलिए हमने समाज के बीच में आके जो काम हम अंदर करते थे उसको हम समाज के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि जो छोटे बच्चे हैं या जो है जो स्वास्थ्य के प्रति अपनी चेतना रखते हैं उन्हें ये एक संवाद मिले कि हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण हमारा कार्य है दिनचर्या में. कितना कर्मचारी आज साथ में मैराथन दौड़ में भाग लिया? हमारे ख्याल से लगभग हम 250 लोग होंगे अभी जो यहाँ होंगे. चूंकि हमारी तीनों शिफ्ट में प्लांट चलती है, तो उसमें नाइट शिफ्ट वाले लोग चूँकि सुबह गए होंगे तो वो आ नहीं सकेंगे होंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.